गाइस नमस्कार, आप लोगों का टॉपिंग क्लासेस के प्यारे से यूट्यूब फैमिली पर स्वागत है। गाइस आज की लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं दर्पण के सूत्र और फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या तथा रेखीय आवर्धन पे संबंधित आधारित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की चर्चा करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले कुछ लाइनें हैं जो कि आपको मोटिवेट जरूर करेंगी। आप इसी से मोटिवेट होकर जो है अपनी आज की जो अधूरी पढ़ाई है उसको कंप्लीट करेंगे और आगे की भी पढ़ाई को कंप्लीट करेंगे। प्यारे बच्चों, वो मोटिवेशन लाइन क्या है कि ध्यान रखना मेरे यूपी बोर्ड वाले बच्चों, जिस प्रकार आज आप पढ़ रहे हैं, जिस बोर्ड की तैयारी आप कर रहे हैं, जिस क्लास की तैयारी आप कर रहे हैं, उसी क्लास की तैयारी यूपी बोर्ड के लाखों बच्चे कर रहे होंगे। और आज जिस बोर्ड की, जिस पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं, उस पेपर का एक दिन रिजल्ट भी आएगा प्यारे बच्चों। और अगर आपके पड़ोसी का एक बच्चा उस रिजल्ट में अच्छा नंबर आपसे ला दिया, उसका रिजल्ट आपसे बढ़िया आ गया, तो उस पड़ोसी के बच्चे का पिताजी एक दिन आपके पिताजी से मिलेंगे और पूछेंगे कि मेरा लल्ला तो इतना नंबर लाया है, तेरा लल्ला कितना नंबर लाया है। तो अगर उस समय तुम सक्सेस नहीं हुए रहोगे, तुम इतना नंबर नहीं लाए रहोगे, तो आपके पिताजी का जो नजर है, जो आपके पिताजी का जो सर है, पड़ोसी वाले के सामने झुक जाएगा। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे पिताजी का जो है सर हमेशा झुका रहे, तो पढ़ाई करना बंद कर दो, मत पढ़ो यारो। और अगर आप चाहते हैं कि पड़ोसी के पिताजी का जवाब आपके पिताजी भी दे सके, तो आज से ही आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि जिससे कि आपके पिताजी ये कह सके कि जिस प्रकार तुमने शेर पाला है, उसी प्रकार मैंने भी शेर पाला है, तुम्हारा शेर शेर है तो मेरा शेर भी सवा शेर है। तो गाइज, आपको स्क्रीन पे सबसे पहला प्रश्न दिखाई पड़ रहा होगा, वो प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, आइए हम उसको हल करते। आप भी थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा कि सवाल को सबसे पहले आप ही सॉल्व करें। प्यारे बच्चों, तो आपका जो सवाल है वो क्या है देखते हैं। प्यारे बच्चों, थोड़ा सा मिल जाओ भाई कंप्यूटर, यानी चलो ठीक। पहला सवाल है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 22 सेमी है, इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। एक अवतल दर्पण की क्या है, हाँ, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 22 सेमी है, यानी बात कर ले अवतल दर्पण की क्वेश्चन नंबर एक जो है वो क्या है, फोकस दूरी जो है 22 सेमी है। कितनी है, 22 सेमी है, और वक्रता त्रिज्या पूछ रही है। प्यारे बच्चों, तो आप जानते हैं जो संबंध होता है वो होता है F बराबर R बटे 2, ठीक। अब आपसे R पूछा है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो R इक्वल टू आ जाएगा 2F, 2 F की वैल्यू कितनी है 22, 22 दुना कितना हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। इस प्रकार आप प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, पहले प्रश्न का जवाब है। गाइस, आपको जो दूसरा प्रश्न है वो स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा, क्या कर रहा है, नीचे दिए गए चित्र में दर्पण की फोकस दूरी बताइए। तो आइए हम देखते हैं कि जो नीचे दिया गया ये चित्र है वो आपसे क्या कर रहा है। ये कोई एक खोखला गोला है प्यारे बच्चों, ये कोई एक खोखला गोला है जिसको काटकर एक दर्पण बनाया गया। वो कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण, जिसका केंद्र ओ है, और ओ से लेके गोले की परिधि तक की जो दूरी होती है वो त्रिज्या कहलाती है प्यारे बच्चों, जो कि 4 सेंटीमीटर है। अर्थात आपको वक्रता त्रिज्या दी गई है, क्या दिया गया है, वो इस चित्र में वक्रता त्रिज्या दी गई है 4 सेंटीमीटर, और फोकस दूरी पूछ रहा, क्या पूछ रहा प्यारे बच्चों, फोकस दूरी पूछ रहा। तो फोकस दूरी F बराबर क्या होता है, R बटे 2, R कितना है 4, ये बटे 2 हो जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी जो F आएगा वो कितना आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। F बराबर कितना आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर। इस प्रकार प्यारे बच्चों आपका दूसरा प्रश्न और पहला प्रश्न कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में जो भी क्वेश्चन आएंगे आप उसको आसानी से तोड़ेंगे, फोड़ेंगे और मरोड़ कर रख के चले आएंगे, यानी हल करके चले आएंगे। प्यारे बच्चों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम अब चर्चा करेंगे दर्पण के सूत्र पे। प्यारे बच्चों, अब अगला जो प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पेज पे दिखाई पड़ रहा होगा, आप वहां से क्वेश्चन को पढ़िएगा, फिर हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है कि एक वस्तु
10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण से, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण से, यानी जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्या कह रहा है कि भाई बात किस दर्पण की हो रही, उत्तल दर्पण की। कौन सी दर्पण की बात हो रही, उत्तल दर्पण की। तो भैया उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है। कितना कह रहा है, एफ फोकस दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर। कितनी है प्यारे बच्चों, 10 सेंटीमीटर कह रहा है। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूर वस्तु रखी है। तो उत्तल वस्तु की दूरी सदैव ऋणात्मक होती है, चाहे वो उत्तल हो चाहे अवतल हो। तो यू इक्वल टू हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछ रहा वी, यानी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अगर आप इस प्रश्न का डायग्राम समझना चाहते हैं तो प्यारे बच्चों आप एक उत्तल दर्पण बनाइए, उस उत्तल दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूर वस्तु रखिए और उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा आपको दिखाई पड़ेगा। तो चलिए प्यारे बच्चों हम समझते हैं कि वी कहाँ बनेगा। तो अगर हम फार्मूले का उपयोग करें तो दर्पण के सूत्र से, किसके, दर्पण के सूत्र से। अब दर्पण का सूत्र क्या कहता उसे ध्यान दीजिए, कहता 1/v + 1/u = 1/f। अब प्यारे बच्चों अगर v ज्ञात करना तो u का ट्रांसफर उधर कर दीजिए, प्लस उधर उधर जाएगा तो क्या जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 1/f माइनस हो जाएगा 1/u। चलिए f की वैल्यू रखते हैं प्यारे बच्चों, 1/ कितना है, 10 है, माइनस u की वैल्यू कितना है, 1/-20। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 20 और 10 का लसप लेंगे तो 20 आएगा प्यारे बच्चों। 10 × 20 तो 2 आ जाएगा और 20 × 20 तो यहाँ 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 3/20 आएगा, ठीक 1/v आ गया। अब v ऊपर जाएगा 20 भी ऊपर जाएगा तो v बराबर आ जाएगा 20/3। क्रॉस, अब इनको डिवाइड करेंगे तो 6 × 6 = 18, फिर आप लगभग जो है वैसे 6.66 आता जाएगा, आप इसे 6.7 मान लेंगे। तो जो प्रतिबिंब की दूरी है वो 6.67 सेंटीमीटर होगा, यानी दर्पण से कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा प्यारे बच्चों, 6.67 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। ये रहा आपके तीसरा नंबर क्वेश्चन। अब गाइस आपको जो है चौथा प्रश्न भी स्क्रीन पेज पे दिखाई पड़ रहा होगा। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है वो आप देखिएगा प्यारे बच्चों। अब देखिए चलिए, चौथा प्रश्न स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है जो कि 2016 और 14 में, 2016 और ये 14 में ये क्वेश्चन पुटअप किया गया। क्या कह रहा है, 24 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने, 24 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले, भैया आर की वैल्यू दी गई है 24 सेंटीमीटर। आगे क्या करा, अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक मोमबत्ती रखी गई है, 3 सेंटीमीटर, अर्थात यू की वैल्यू 3 दिया है। वस्तु की दूरी सदैव माइनस में होती है तो ये 3 सेंटीमीटर हो गई। आगे करा, मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, अर्थात मोमबत्ती की प्रतिबिंब की स्थिति यानी वी ज्ञात करना प्यारे बच्चों। और जो दर्पण है वो दर्पण कौन है, अवतल है। अब अवतल के हिसाब से चिन्ह परिपाटी लगाइए होगा चाहे जैसे करके, देखिए ये। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों अगर मुझे वी ज्ञात करना तो मुझे यफ की जरूरत पड़ेगी। तो यफ कैसे मिलेगा, यहाँ आर से। तो सबसे पहले निकालते हैं अवतल दर्पण की फोकस दूरी, किसकी बात करते हैं, अवतल दर्पण की फोकस दूरी। चलिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कर लेते हैं। तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है एफ बराबर वो होता है R/2। आर कितना है प्यारे बच्चों, 24 है। कितनी है, 24 है, 2 करा दे तो 12 हो जाएगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में होती है इसलिए हम लोग चिन्ह परिपाटी के अनुसार -12 लिखेंगे, ठीक। अब हम बात करेंगे वी की बात। तो भैया दर्पण के सूत्र से, किसके सूत्र से, दर्पण के सूत्र से। दर्पण का सूत्र क्या कहता है, 1/v + 1/u = 1/f, ठीक। अब वी ज्ञात करना तो यू वालों को उठा उधर कर दीजिएगा, 1/v = 1/f - 1/u हो जाएगा। अब एफ की वैल्यू, एफ की वैल्यू कितनी है, -12 है, माइनस यू, यू की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों, -3 है। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आइए आगे हल कर लेते हैं थोड़ा सा, क्या हो जाएगा, 1/v = कितना होगा, 1/-12 है प्लस 1/3 है। 12 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा, 12 × 12 तो यहाँ -1 आ जाएगा, 3 × 12 तो यहाँ +4 हो जाएगा।
चार में से एक घटा देंगे तो तीन आ जाएगा, बटे 12, 3 एकलम 3, 3 चौके 12, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो वी बराबर आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, अर्थात जो प्रतिबिंब है वो दर्पण से 4 सेंटीमीटर दूर बनेगा। एक बार आप इसका आंसर जरूर मिलाएंगे प्यारे बच्चों। जी बिल्कुल, 4 सेंटीमीटर आया है, अर्थात प्रतिबिंब जो है वो दर्पण से पीछे बन रहा है, प्रतिबिंब दर्पण से पीछे बन रहा है। क्यों? क्योंकि अगर आगे बनता तो वो जो दूरी है वो ऋणात्मक में आती। ठीक, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम आगे की क्वेश्चन यानी पांचवें नंबर क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। आपको स्क्रीन पे अगला प्रश्न दिखाई पड़ रहा होगा, एक अवतल दर्पण की फोकस की ध्रुव से दूरी, एक अवतल दर्पण की फोकस से ध्रुव की दूरी। भैया आपको केवल केवल प्रश्न जो है देखना चाहता आप कितने बुद्धिमान हैं। ध्रुव से फोकस की दूरी ही तो फोकस दूरी होती है, ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी फोकस दूरी होती है। कितना दे रहा है? 10 सेंटीमीटर। अब अवतल दर्पण है तो ऋणात्मक हो जाएगा, तो प्रश्न नंबर कौन सा अभी है? अभी तो 5 नंबर, प्रश्न नंबर 5 है। अब अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी, बात किसकी हो रही है यहां इस क्वेश्चन के लिए? अवतल दर्पण की। तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो सदैव ऋणात्मक होती। कितनी है भैया? 10 सेंटीमीटर, तो -10 सेंटीमीटर। आगे, यदि वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर हो, यदि वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर हो, अर्थात माइनस हो जाएगा, तो प्रतिबिंब दर्पण की दूरी ज्ञात कीजिए, अर्थात वी आपको ज्ञात करना है। प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी यानी वी आपको ज्ञात करना है। तो आइए हम दर्पण के सूत्र का उपयोग करते हैं। दर्पण के सूत्र से, किसके? दर्पण के सूत्र। तो अब दर्पण का क्या सूत्र है वो ध्यान दीजिएगा। दर्पण का सूत्र है 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F। चलिए अब देखिए, V ज्ञात करना, तो U को उठा उधर कर दीजिए, 1/V बराबर हो जाएगा 1/F, ये U उधर जाएगा तो -1/U होगा, 1/F। F की वैल्यू कितनी है? F की वैल्यू -10 है, ये माइनस। U की वैल्यू कितनी है? -30 है। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो 1/-10 प्लस 1/30 हो जाएगा। 230 का लसा पढ़ लीजिए तो 30 आएगा, 10 30 तो 3 एकन्नम 3, -3 आएगा, प्लस 30 एकन्नम 30, ये आ जाएगा। 3 में से 1 घटा दीजिए प्यारे बच्चों तो -2/30 आएगा, कैंसिल कीजिए तो 15 आ जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो V इक्वल टू आ जाएगा -15 सेंटीमीटर। यानी माइनस आया है तो जो प्रतिबिंब है वो दर्पण से आगे बनेगा, प्रतिबिंब दर्पण से आगे 15 सेंटीमीटर आगे बनेगा, ये कह रहा है प्यारे बच्चों। यानी प्रतिबिंब वस्तु की ओर ही बनेगा, इसलिए माइनस आया। ठीक, अब हमारा जो क्वेश्चन है अगला, प्रश्न नंबर छठा, वो भी आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा। अब आइए हम चर्चा करते हैं उस प्रश्न का क्या कह रहा है। तो गाइस आपको छठा प्रश्न स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा, क्या कह रहा है? 2 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु है, 2 सेंटीमीटर ऊंचाई की कोई एक वस्तु है। तो भाई वस्तु की ऊंचाई है ना, तो वस्तु की ऊंचाई को हम लोग ओ से व्यक्त करते हैं जो कि 2 सेंटीमीटर होता है, और चिन्ह परिपाटी से इसकी वैल्यू धनात्मक होती है। आगे कह रहा, अवतल दर्पण के सम्मुख, यानी प्रश्न पहले हम टिक लगा लेते हैं, भैया कौन सा दर्पण कह रहा है? ये अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है? ये अवतल दर्पण की बात हो रही है। तो अब अवतल दर्पण के सम्मुख 16 सेंटीमीटर दूर वस्तु रखी गई। तो भाई चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, वस्तु की दूरी सदैव क्या होती है? ऋणात्मक होती है। आगे करा, दर्पण द्वारा इसका वास्तविक प्रतिबिंब 3 सेंटीमीटर ऊंचा बनता है। प्रतिबिंब की लंबाई को हम आई से दिखाते हैं, परंतु ये मुख्य अक्ष के नीचे होता है, इसलिए ये धनात्मक होगा। ठीक, अच्छा ऋणात्मक होगी। आगे क्या कह रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति फर्स्ट पोर्शन में, प्रतिबिंब की स्थिति यानी V बराबर क्वेश्चन मार्क, और सेकंड पोजीशन में दर्पण की फोकस दूरी यानी F ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना पहले बच्चों? F की वैल्यू ज्ञात करनी है। चले, अब जब तक F नहीं पता होगा तब तक V नहीं ज्ञात कर पाएंगे, जब तक V नहीं पता होगा तब तक F नहीं ज्ञात कर। तो हमारे पास दो चीजें ये दी गई हैं, ये सारी चीजें, इनकी मदद से हम V की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? रेखीय आवर्धन का व्यंजक पढ़ा था हम लोगों ने, I/O बराबर -V/U। क्या ध्यान आ रहा है आपको फॉर्मूला? बिल्कुल।
आई की वैल्यू आपके पास है -3, ओ की वैल्यू है आपके पास 2, वी की वैल्यू नहीं पता है, परंतु यू की वैल्यू पता है -16। माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2 8 16, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें प्यारे बच्चों, तो 8 3 24 -24 सेंटीमीटर, यानी माइनस आया है। इसके कहने का मतलब है जो दर्पण, जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के सामने बन रहा है, दर्पण के पीछे नहीं बन रहा है। अगर दर्पण के पीछे बनता तो ये जो दूरी है वो धनात्मक में आती प्यारे बच्चों, तो जो प्रतिबिंब है वो दर्पण से 24 सेंटीमीटर पहले बन आगे बन रहा है। ये रहा वी की वैल्यू। अब हम बात करेंगे एफ की वैल्यू निकालने के लिए। तो एफ की वैल्यू निकालने के लिए दर्पण के सूत्र का उपयोग करेंगे। किसके सूत्र का? दर्पण के सूत्र से। तो दर्पण का सूत्र क्या कहता है? 1/v + 1/u = 1/f। अब यफ ज्ञात ही करना, वी की वैल्यू रखते हैं। वी की वैल्यू कितनी है? -24 है। प्लस यू की वैल्यू कितनी है? यू की वैल्यू है -16, ठीक, बराबर 1/ कितना हो जाएगा यफ, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -1/24 -1/16 बराबर 1/f। अब 24 और 16 का लसा ले लेते हैं। 24 और 16 का लसा लेंगे तो प्यारे बच्चों 48 आएगा। 24 का भाग 48 में देंगे तो 2 बार जाएगा, 2 का गुना 1 में करेंगे तो -2 आएगा, 16 से डिवाइड करेंगे 3 बार जाएगा, यहाँ -3 आ जाएगा बराबर 1/f। अब आ जाएगा -2 और -3 जोड़ के आ जाएगा -5/48 बराबर 1/f। अब ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा प्यारे बच्चों, तो 48/ कितना हो जाएगा? -5 बराबर f। भाग दीजिए तो 5 9 45, मतलब 9.6 सेंटीमीटर आएगा फोकस दूरी। कितना आएगा? 9.6 सेंटीमीटर आएगा इसकी फोकस दूरी। अवतल दर्पण थी इसीलिए दूरी ऋणात्मक में आई है। एक बार आप इसका आंसर जरूर मैच करा लीजिएगा प्यारे बच्चों, बिल्कुल आपके आंसर मैच कर रहे हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, फिर हम आगे की क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। प्यारे बच्चों आपको स्क्रीन पे अगला प्रश्न दिखाई पड़ रहा होगा। कौन सा प्रश्न है ये? लगभग मान लिया जाए तो 7वां था या 6ठा था, जो भी होगा क्वेश्चन नंबर। प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, क्या कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु, 5 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण। तो सबसे मेन पॉइंट है कि किसकी बात होगी? अब उत्तल दर्पण की बात होगी। किसकी बात होगी? उत्तल दर्पण की। भाई उत्तल दर्पण की बात हो रही, तो 5 सेंटीमीटर ऊंची, तो मुख्य अक्ष के ऊपर की जो लंबाई होती है उसे हम ओ से व्यक्त करते हैं। ओ की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों? 5 सेंटीमीटर है, तो ये सदैव धनात्मक होती है। वक्रता त्रिज्या दी गई है 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। अगर हम यही फोकस दूरी निकाल लें तो यह बराबर होता R/2, 30/2 कर देंगे तो कैंसिल करके कितना जाएगा? 15 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, कोई बात नहीं। आगे कह रहा है कि सम्मुख 20 सेंटीमीटर दूर कोई वस्तु रखी है, अर्थात U = -20 सेंटीमीटर है। आगे कह रहा है प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति एवं आकार ज्ञात कीजिए। स्थिति मतलब V ज्ञात करना है, आकार मतलब I ज्ञात करना है। दो क्वेश्चन आपसे पूछा, स्थिति यानी V और आकार यानी I, यही दो क्वेश्चन आपको ज्ञात करना है, V और I की वैल्यू ज्ञात करनी है। चलिए हम लोग ज्ञात कर लेंगे आराम से। सबसे पहले अगर हमको बात करें तो V की वैल्यू निकालने के लिए, तो भाई दर्पण के सूत्र का उपयोग कर लेते हैं। किसके? दर्पण के सूत्र से। दर्पण का सूत्र क्या कहता है वो ध्यान दीजिएगा। दर्पण के सूत्र से हो जाएगा 1/v + 1/u = 1/f, ठीक। अब ध्यान से देखिए, u को उठा के उधर कीजिए तो 1/v बराबर हो जाएगा 1/f -1/u। वैल्यू रखें, f की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों? 15 है। u की वैल्यू कितनी है? u की वैल्यू है आपके पास -20, तो 1/-20, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1/15 + 1/20। 15 और 20 का लसा पर ले लीजिए प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों 15 और 20 का लसा लिए तो 60 आया, 15 चौके 60 तो 4 1 4, 20 3 60 तो 3 1 3, 4 3 कितने हो गए? 7/60 हो जाएगा। 60, अब v की वैल्यू ज्ञात करना तो उल्टा हो जाएगा प्यारे बच्चों,
तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 ऊपर पहुंच जाएंगे और 7 नीचे आ जाएंगे, तो 7 8 56 10 मतलब लगाएंगे, 4 उतारेंगे तो 7 5 35 मतलब 8.5 लगभग आएगा ये V की वैल्यू। V की वैल्यू आ गई 8.5 सेंटीमीटर, प्लस में आई है मतलब प्रतिबिंब जो है आभासी बनेगा। ठीक, अब आपको आई भी बताना है, तो आई बताना है तो भाई रेखीय आवर्धन के सूत्र से, रेखीय आवर्धन के सूत्र से, रेखीय आवर्धन के सूत्र से क्या कहता है, आई बटे ओ बराबर माइनस वी बटे यू, यही फार्मूला था। अब चलिए ओ की वैल्यू दी गई है, कितना दिया गया है 5 सेंटीमीटर, वी की वैल्यू नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं, वी की वैल्यू पता है पहले बच्चों, वी की वैल्यू 8.5 आया है, 8.5 आया है, या तो आप रख दीजिए 60/7 का डायरेक्ट रखिए, यहां ये वाली वैल्यू 60/7 गुने यू, यू की वैल्यू कितनी है, कहाँ है, यू की वैल्यू -20 है। ठीक है, ये हो गया, माइनस माइनस से कैंसिल, 20 21 20 60। ठीक, अब आपके पास बचा आई बटे 5 बराबर 3/7, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो 7 आई हो जाएगा, 7 आई और 5 15। ठीक, आई बराबर आ जाएगा 15/7, कितना आ जाएगा 15/7, भाग देंगे 2.5 आएगा। ठीक, तो आई इक्वल टू आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर, मतलब प्यारे बच्चों जो वस्तु है वो 5 सेंटीमीटर ऊंचा था और प्रतिबिंब उसके आधी बनी है 2.5 सेंटीमीटर लगभग। ठीक, इस प्रकार प्यारे बच्चों आज की जो क्लास में जितनी सवालें बताई गई थी वो सारी सवालें आपको समझ में आई होंगी। अगर आपके इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं तो उम्मीद करते हैं कि आप उसे हल कर लेंगे। प्यारे बच्चों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखते रहिए और एंजॉय कीजिए प्यारे बच्चों, परंतु अपनी पढ़ाई को मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट।